शुरू करने से पहले एक्चुअली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था लेबनीज रूल, ठीक है, तो एक बार मैं लेबनीज रूल आप लोग को रिकॉल करवा दे रहा हूँ। लेबनीज रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्वांटिटी या इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के लिए लेबनीज रूल का यूज होता है, ठीक है। तो जो लोग जानते हैं आप लोग ट्राई करिए, जो नहीं जानते हैं इस फॉर्मूला को नोट डाउन करने के बाद करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। तो इसके लिए एजम्पशन क्या है, लेट एफ है, ठीक है, एफ कोई एक्सटी का फंक्शन है, एंड क्या है पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इसका कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी यहाँ पे दिया है ना, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका सिर्फ अंदर वाले का, इसी को हम लोग पूरा, इसको हम लोग एफ नाम दे देंगे, ठीक है, और इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, और वो जो आएगा क्वांटिटी उसी को हमें देखना है कि वो एक्स और टी के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इन जनरल ऐसा कभी काम नहीं पड़ता है कि आपको चेक करना पड़े कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। एंड बाकी आपको ये भी देखना होता है कि जैसे इसमें क्या होगा, ए एफ मान लो, इसको जी मान लो, ठीक है, स्मॉल एफ मान रहा हूँ, तो आपका ए स्मॉल एफ और स्मॉल सॉरी एफ डैश एंड जी डैश ये दोनों भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स ले ले रहे हैं, ठीक है, जी एक्स एच एक्स कॉन्स्टेंट लेने से अच्छा है हम फंक्शन ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट वाला उसका एक पार्टिकुलर केस होता है। ये हो जाएगा आपको वो, इसमें बस आपको कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर याद रखने हैं, सबको याद है फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आप कर लीजिएगा, ठीक है, और प्लस एच डैश टाइम, ठीक है, एच डैश टाइम इसको एक्स ले दो, और ये जो एफ होगा इस वाले एफ में, ठीक है, इस वाले एफ में टी की जगह टी रहने देना, और सॉरी एक्स की जगह एक्स रहने देना और टी की जगह ए लिमिट पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि हम डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे याद रखने में आपको आसानी होगा इतना। फिर माइनस, फिर ये जो नीचे वाला है इसका डेरिवेटिव जी एक्स, और फिर एक्स की जगह एक्स रख देना और जी एक्स। तो इस फॉर्मूले का अप्लीकेशन करके आप लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ए आपका हो गया कैपिटल एफ, ठीक है, तो और हाँ ये तो बारिश से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब लेबनीज रूल लगाओगे तो इधर का तो एज यूजुअल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट इधर का करोगे तो ए इंटीग्रेशन अंदर साइन वाला हो जाएगा बात। तो एक लाइन में करवा के दिखा दे रहा हूँ, इक्वेशन वन एज्यूम कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, क्या विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x4 प्लस 4x³ इक्वल टू, मैं इधर उल्टा ले लिया, और इधर हो जाएगा 0 to x, एंड अंदर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 into x - t, और जो एज यूजुअल है 5t dt प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन 1, एंड इसमें x रखेंगे तो इंटू 0 हो जाएगा, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 0, तो बाकी कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास इतना बचेगा। अब यहां से फिर करना है और फिर ऐसे करते जाना है जब तक कि पूरा इंटीग्रल साइन वैनिश ना कर जाए, एक खत्म हो जाए, इंटीग्रल खत्म हो जाएगा तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ रिलेशन बनेगा उसको सोल्व कर देंगे, तो वहां से आपका 5x निकल जाएगा, और 5x निकलते हैं आप x = 1 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हिंट काफी रहेगा आई थिंक। तो इंटीग्रल इक्वेशन के आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है, इससे भी पहले हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना देखा था। तो इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने दो मेथड से देखे थे, एक था रिजोल्वमेंट कर्नल मेथड, ओके, और सेकेंड वन था अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड को हमने पहले पढ़ लिया है वोल्टेरा एंड इंटीग्रल इक्वेशन दोनों के लिए,
तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड वोल्टेरा एंड फ्रेडलम दोनों के लिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रेडलम मेथड से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आंख बंद करके सोल्व करोगे तो भी सही आंसर होगा, ठीक है। इससे पहले भी बताया था जो रिजोल्वेंट कर्नल मेथड हम लोग कर रहे हैं या ए मेथड कर रहे हैं, हम लोग कर रहे थे जो सेकेंड काइंड का था, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन या फिर फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, उस पे लगा रहे थे। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या था। अच्छा, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, पहले मैं फ्रेडलम का करवा देता हूँ फिर वोल्टेरा का करेंगे हम लोग। और दोनों में मैंने सिमिलरिटी बताया था कि दोनों को एक जगह मैं इसलिए लिख रहा था कि आपको बस कंपेरिजन दिख जाए कि किस में हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, इसी तरह वोल्टेरा का भी होगा, बस एक पार्टिकुलर चीज चेंज करना होगा इसमें। दोनों हमें इंटीग्रेशन लिमिट फिक्स रखना होगा, उसमें कोई भी एक एटलीस्ट वेरी करेगा। तो एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का, कुछ इस टाइप से हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पे कुछ कर्नल था और ये वाई है ना, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई टी डी टी। इसको मैं वन नाम दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार हमें काम पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे यूज होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब ऐसे समझ जाओ, इसको इटरेटिव समझ जाओ, ठीक है। इटरेटिव से आपको क्या होगा, इटरेटिव मतलब अगर मैं बोलूं कोई मेथड इटरेटिव मेथड है तो आपके दिमाग में पहला एक ही चीज आएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल चीज होगा, उस इनिशियल को यूज करके ही हम अगला सॉल्यूशन या अगला पॉइंट या अगला जो भी निकालना होता है नेक्स्ट निकालते थे। जैसे हम लोग पढ़े थे इटरेटिव कर्नल, ठीक है, तो उसमें क्या था, हमें इनिशियली कुछ ना कुछ गिवन था। उसी तरह अगर हमें फ्रेडलम या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करना होगा तो इनिशियली कुछ ना कुछ लेना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया है तो फिर इनिशियल क्या होगा, ठीक है। तो हमारे जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टली वर्किंग रूल पे ही आ जाता हूं। वर्किंग रूल, और मैंने बताया इसको कैसे आपको सोच रहे हैं, इटरेटिव टाइप पे अप्रोक्सीमेशन से। तो आपको पहला एज्यूम करना होगा, तो पहला क्या एज्यूम करना होगा, टेक टेक वाई नॉट एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब वाई नॉट क्या है, आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मतलब जो पहला वाई क्या है, एक्चुअली यही सोल्यूशन है ना, तो हम एक अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं सोल्यूशन पर, मतलब पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, इसी तरह एनएच का ऑब्जर्व करेंगे और उसी को बोल देंगे कोई हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम इस रास्ते जा रहे हैं, तो हमें शुरुआत करने के लिए हमें पहला पॉइंट की जरूरत होगी। तो पहला हमने किसको ले लिया, एफ एक्स को, ठीक है। अच्छा, अब रफली मैं समझा रहा हूं, एज्यूम करो किसी क्वेश्चन में ए पोर्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, ए पोर्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल आपका जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर नहीं दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये जीरो होगा। ये नहीं कि फिर क्वेश्चन गलत है या फिर इनकम्प्लीट है, तो ऐसे बहुत बार होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नहीं दिया इसका मतलब वो चीज क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ओके, ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा टेढ़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा क्या, तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन था, इसको अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वाई वन एक्स। अब वाई वन एक्स क्या होगा, एफ एक्स ले लीजिए आपका क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन भी साथ में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्यूशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स प्लस और एफ रेडला में, अच्छा लेमडा आपको यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेमडा आइगन वैल्यू है तो गिवन ही रहेगा, कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है। ओके, तो यहाँ पे ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट है आपका। ओके, अंदर कर्नल जो दिया है वही रहेगा। अब यहाँ पे जो वाई टी था आपका, ठीक है, पहले वाई टी था, अब क्या है, जो नया वाला वाई टी हमारा निकला रहेगा, मतलब लाटेस्ट सॉल्यूशन, उसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा नेक्स्ट। तो अब यही समझिए, इसी एक्टिविटी को बार बार हमें ऑपरेट करना है या कंटिन्यू करना है। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा, बस मैं इसी को अभी नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं,
तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए टू बी के, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा, बस इसको चेंज करना, अभी हो जाएगा वाई वन टी और डी टी, ठीक है। अब ये आपको कब तक करते रहना है, मतलब दो तीन तक तो करेंगे ही, दो टू थ्री स्टेप करने के बाद आपको रुक जाना है, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको एनएथ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप एन प्लस वन एथ ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाई एन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए टू बी के एक्स टी, और इसे जस्ट पहले कौन रहा होगा, वाई एन माइनस वन टी डी टी, ठीक है। तो यहां से आपका ये चीज निकल गया, ओके। अब ए निकलने के बाद बस इस पे लिमिट लगा देना, आपका खत्म काम। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वाई एक्स, और वाई एक्स क्या होगा, बस एन को इन्फिनिटी पे दौड़ा देना, वाई एन एक्स। तो ए आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना आसान है, अगर ए यहाँ पे लिखना था इतना तो टाइम लगा, अदरवाइज आपको एक इस टाइप का दिया रहेगा इंटीग्रल इक्वेशन, इस एफ एक्स को आपको पहला सॉल्यूशन मान लेना है, और पहला सॉल्यूशन को ये बार बार इस वाई टी के जगह पे उठा उठा रखना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने क्या किया, अभी वाई वन निकला, इसको ला के यहाँ पे रख दिया, इसी तरह करते करते जो लास्ट एन माइनस वन आया उसको यहाँ पे रखा, और इसी एक्सपीटी को बार बार करते करते मैंने एक एनएथ निकाल लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और एनएथ को एन टेस्ट इन्फिनिटी पे देखा कि क्या हो रहा है, जो होगा वही हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट मैं पहले थ्योरी बता लेता हूँ, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे दोनों का मिसलेनियस। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ वोल्टेरा के लिए इंटीग्रल इक्वेशन, बाकी सब वही है सेकेंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो इसमें एक बार स्ट्रक्चर उसका हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, वाई एक्स था इक्वल टू एफ एक्स था प्लस लेमडा टाइम्स, अच्छा यहाँ पे ए टू बी नहीं, तो चलो इसको बी की जगह एक्स रख लेते हैं। अधिक से अधिक हमारे पास क्या था, ए एक्स था और बी एक्स था, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए हमें सिंपल से, मैंने बोला था वोल्टेरा के लिए आपको क्या देखना है, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट वेरी करना चाहिए, दोनों वेरी कर गया तो भी ठीक है, दोनों वेरी ना करे तो कम से कम दोनों में से कोई एक वेरी करेगा तो वोल्टेरा होगा, अगर दोनों फिक्स हो गया तो फ्रेडलम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी वही एक्टिविटी करेंगे जो हमने वहां पे किया था, ठीक है। तो वहां का एक बार रिविजन करिए, आपने क्या किया था, डायरेक्ट मैं वर्किंग रूल बता देता हूं आपको करना क्या है, ज्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इसमें कुछ है ही नहीं, इनिशियल सॉल्यूशन ले लीजिए किसको, इस एफ एक्स को, ठीक है। अच्छा इनिशियल है तो हम फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वहां पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसको बोले थे, अब किसी को बोलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल ले लिया, इनका कहीं काम नहीं पड़ना, काम इस वाई वन वाई टू वाई एन का काम पड़ना है। तो आप कैसे समझ रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, वहां लिखना तो है नहीं, आपको समझना है, ठीक है। तो ये इनिशियल है, तो इनिशियल को मैंने जीरो था जैसे वाई जीरो ले लिया, अबे वाई वन ले रहा हूं, तो ऐसे समझने में लिखने में भी थोड़ा सा मजा आएगा, आसानी भी रहेगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाई वन एक्स, ओके। तो वाई वन एक्स क्या हो जाएगा, पीछे वाला स्टेप दोहराइए, यहाँ पे क्या था हमारा एफ एक्स प्लस जो लिमिट दिया हुआ है ए टू बी वहां पे था, अब यहाँ पे बी की जगह एक्स हो गया, अगर ए एक्स रहता तो ए एक्स और बी एक्स रहता तो बी एक्स, ओके ठीक है। अच्छा ये लेमडा बाहर छूट रहा, लेमडा फिर के एक्स टी, ये चीज था। अब जो सॉल्यूशन निकला है उसको रख दीजिए वाई जीरो एक्स डी टी, ठीक है, डी टी था ना, ओके बस यही चीज था। अब इसको कंटिन्यू करना है, तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स, ए हो जाएगा एफ एक्स प्लस
लेमडा टाइम्स ए टू एक्स के एक्स टी वाई वन एक्स डी टी। वाई वन जो लास्ट में निकला इसको लाके आपको यहां पे रख देना है और यही एक्टिविटी करते जाना है। तो लास्ट वाला का रिवीजन बस आपने क्या किया, ये इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन का लिमिट है इसको चेंज किया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम नहीं करवाया कि थोड़ा सा आप लोग इसको समझ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर दोनों का अलग अलग करते आपको फिर से पूरा उतना पढ़ना पड़ता, तो यहां से क्या होगा डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। तो वाई एन एक्स आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए टू एक्स के एक्स टी। अब जो इससे पहले कौन सा निकला होगा, एन माइनस वन निकला होगा, अच्छा एक्स नहीं है ये टी होगा ना, मैं बार बार गलत लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, अंदर टी होगा, टी होगा ना एक्चुअली। जैसे देखिए वाई, एक मैं एग्जांपल करवा दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वाई टी डी टी, ठीक है। ए निकल गया, इसके बाद हमने क्या किया था, लिमिट लगा दिया था एनथ वाले पर, बस अपना काम बन गया, दस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, वाई एक्स ए क्या था लिमिट बस लगा दो एन टेंस टू इंफिनिटी पे और जो एन आया था उस पे, तो ए आपका निकल जाएगा सोल्यूशन। तो आई होप अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना आपको वोल्टेरा एंड फ्रेडलम दोनों के लिए क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम करिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एक एक देख लेते हैं, ठीक है, लेट इतना देन। अब आप लोग क्विकली बताइए क्या होगा, सॉल्व करिए सभी लोग, आप क्या यूम करें, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है, जहां एफ एक्स का रोल कौन प्ले करेगा, पूरा करेगा ना, तो ए एफ एक्स का रोल आपको प्ले कर रहा है, तो हमें टी के रेस्पेक्ट में टी के फॉर्म में निकालना है ना, तो एक्स का टी रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, टी प्लस ई टू टी, क्लियर, यहाँ पे हो गया। एंड लेमडा क्या है, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ लेमडा की जगह हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो आप लोग फटाफट करिए, मैंने पहला निकाल दिया, आप दूसरा निकालिए क्विकली, मैं करते जो लोग सीख गए हैं वो क्विकली करिए, और जो लोग अभी भी नहीं पकड़ पाए हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते जा रहा हूं, तो आप शायद वहां से भी पकड़ सकते हैं तो कर सकते हैं। निकालिए फिर इसको, अब कहां दे रहे हैं, चलिए तो मेरा स्लोली स्लोली मैंने यू वन निकाल दिया, आई होप। तो नेक्स्ट हमारा यू टू एक्स, यू टू एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एफ एक्स एजिट होगा, एक्स प्लस ई टू एक्स, ये क्या है हमारा एफ एक्स है, ठीक है,
माइनस टाइम जो लेमडा था वो लेमडा एजिट रह जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना है, माइनस वन है ना, ये प्लस था, तो ये 0 to 1। और कर्नल क्या था, अच्छा XT था, XT ये हो गया आपका XT, और इसके जगह पे वाला आ जाएगा, तो एक्स की जगह टी रख के इसके अंदर रख दीजिए, तो हो जाएगा ई के पावर टी माइनस 1/3 t dt। ओके अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा। अब आपसे इंटीग्रेशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप सही करेंगे, बस गलत नहीं करना है, ठीक है। यहां से एक्स का कोई रोल नहीं है तो एक्स को बाहर ले लेते हैं, 0 से 1, ये हो जाएगा टी ई टू टी माइनस 1/3 t² dt, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने टी का किया ही था, और टी स्क्वायर की जगह टी था, तो वही वाला मेथड फिर से लगा दीजिए, एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस एक्स टाइम। अब उसको आप क्विकली करिए, तो यहाँ से इसका क्या आया था हमारा, चलिए जो भी आया था यहाँ पे फट से कर लेते, टी टू टी और उसका करेंगे तो माइनस ई टी, यही आया था ना उसमें, और इसका करेंगे तो माइनस 1/9 t³। ओके ए 0 to 1 था, ठीक है। तो एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस एक्स, 1 रखेंगे तो ई टू सॉरी ई माइनस ई माइनस 1/9, और 0 रखेंगे तो ये खत्म, माइनस माइनस इसमें आइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा चला जाता है माइनस प्लस, अदरवाइज बाकी सब चीजें तो सही होता है। उस कैलकुलेशन लंबा में ही अगर आप लोग संभल गए तो ठीक है, अदरवाइज वही गड़बड़ हो जाता है। ये हो जाएगा 1/9 x + e2x, अभी भी पकड़ा है कि नहीं पैटर्न, यहाँ पे आया था e2x - 1/3x, यहाँ पे आया था e2x + 1/9x, तो अभी मुझे लग रहा थर्ड भी निकालना पड़ेगा, तो थर्ड निकालते हैं, थर्ड जो भी होगा u3x निकालेंगे, तो x प्लस e2x माइनस, अब क्विकली मैं करता हूँ 0 to 1, अंदर था xt और इसके जगह आ गया x/9 + e2x dx। इसका सोल्व करेंगे तो क्या होगा, और ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो इस पे लिख के ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे, और इसको सोल्व करने के बाद जो आया है समथिंग मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि सोल्व करके सोच के क्या टाइम लेना है, ठीक है। देन सोल्व करने के बाद समथिंग आया है -x - x/3 3³ सॉरी, और ये तो एक कट गया, तो यहाँ से आ गया e2x - x/3³, ठीक है। ओके तो अब यहां से आपने देखा होगा, अगर पैटर्न ऑब्जर्व किया u1x, ठीक है, u1x आया था आपका e2x, अच्छा -x/3 था, फिर आपने निकाला u2x, ये आया e2x प्लस x/9 आया था ना, प्लस x/9, तो 3 के टर्म में 3² और u3x यहां से यह दिख गया, तो e2x प्लस सॉरी -x/3³, तो एक एक पैटर्न दिखते चला गया। तो इस तरह अगर हम nth टर्म निकालें तो unx क्या हो जाएगा, e2x, बस हमें ये nth टर्म निकालना है। अगर आप पहला टर्म के बाद भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना कि nth टर्म क्या होगा, तो कोई जरूरी नहीं है इतना कैलकुलेशन करने की, आप यहीं के बाद लिख दीजिए, लिखने का मतलब ये होता है कि आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आप पहले दिख गया बस क्विकली सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए 3 है तो 3 हो रहा, 2 है तो 2 हो रहा, मतलब अच्छा ये प्लस माइनस का कैसे रखना है, देखो ऑड है तो -1, इवन है तो +1, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूं, इस टाइप से लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x/3 के पावर n, तो
अब सही रहेगा। ओके तो अब हमें जो ईवीएक्स होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे होगा, तो एन एस टेंस टू इन्फिनिटी पे ये तो प्लस माइनस वन इससे फर्क पड़ेगा नहीं, और ये समथिंग क्वांटिटी है अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये पूरा कॉन्टेंट जीरो बन जाएगा, तो डायरेक्टली आपका ई टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ई टू एक्स जिनका आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था तो आप उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं वोल्टेरा वाला करवा दे रहा हूँ, ये तो हो गया फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन का। अब वोल्टेरा वाला करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, वोल्टेरा वाला का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आस्क्ड प्रॉब्लम है उसको मैं थोड़ा सा करवा दूंगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि कैसे वहां पे अप्लाई करना है। वहां तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन से आप इजीली कर सकते हैं। ओके तो सेम बस आपको प्रैक्टिस करना ना, तो कैलकुलेशन तो आप सीख ही गए हैं, तो आप दूसरा क्वेश्चन करिए। ठीक है, मेथड वही है बस, यहाँ पे क्या बस आपको इंटीग्रेशन लिमिट है वो वेरिएबल कर देना है, उसमें आपने फिक्स लिया था ए टू बी, अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, जीरो टू एक्स। ठीक है, सारा कैलकुलेशन वही है। आप इसको क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका जो है, आप एक्स की जगह एक बार जीरो रख लीजिए। जीरो रखेंगे तो क्या दे देगा, ए जीरो टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप जीरो लेंगे तो जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यू जीरो का वैल्यू क्या हो गया, वन। तो आप इसमें देखिए कि यू जीरो इक्वल टू वन कौन सा दे रहा है, ए वन देगा, ओके, ए भी वन देगा, ओके, ए माइनस वन देगा, तो ए साफ खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी डिस्कार्डेड। ओके, अब आप क्या करिए कि फिर से इसमें क्या करिए, या तो डेरिवेटिव लगाइए या कोई और, तो इसमें अब कुछ और हिंट तो नहीं दिया गया ना, तो आप यू डैश एक्स निकाल लीजिए। तो यू डैश एक्स यहां से क्या होगा, यहां से यू डैश एक्स हो जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस जीरो टू एक्स। अब वही लेबनीज रूल जो मैंने वहां पर बताया था, लेबनीज रूल अंदर वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का वन हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा यू टी डी टी प्लस ऊपर वाला का डेरिवेटिव वन, इसमें रखोगे एक्स की जगह, सॉरी एक्स तो एज इट रह जाएगा, टी की जगह एक्स, तो टी माइनस एक्स माइनस एक्स जीरो, तो इंटू जीरो, नीचे जीरो है तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो आगे खत्म ही काम है। तो आपके पास इतना बचा, तो अब इसमें एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, तो ये आपको क्या दे देगा, यू डैश जीरो। यू डैश जीरो कितना हो जाएगा, ए जीरो था, जीरो माइनस आप इंटीग्रेशन लिमिट इसको जीरो कर दोगे, तो जीरो टू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो तो जीरो माइनस जीरो क्या, जीरो दे देगा, दैट इज यू डैश जीरो आपका जीरो दे रहा है। तो अब यहां से फिर से देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो पे क्या देता है, जीरो देता है, चलिए ये हो सकता है। ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स जीरो पे क्या देगा, वन देगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, ओके, अब इसमें है कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नन था, तो अब आपके लिए इस चीज को ट्रू बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से यू ट्रिपल डबल निकाला था ना, फर्स्ट निकाला था, ओके, तो आप यू डबल डैश एक्स निकालेंगे, और जीरो पे इसमें देखिए आप जीरो पे इजीली चेक कर सकते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे आप पुट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा मेथड है कि ए आपको नहीं के बराबर दिया रहता है, नन मैंने दे दिया, यहाँ पे मान लो कुछ भी दे दिया, टेन एक्स दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप का दिया रहेगा, तो आपके पास उस टाइम देखेंगे कि ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली वन बचेगा, तो वन वाला ट्रू हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। और सेकेंड, इसको जैसे मैंने मेथड बताया है, जो आपको पढ़ाया हुआ है उस मेथड से करना है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको कर लेंगे।